जय भारत। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज बहुत बड़ा दिन है हम सब लोगों के लिए, जो लोग सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए जस्टिस की मांग कर रहे थे, जो लोग लड़ाई लड़ रहे थे, आज उन सब लोगों के लिए बड़ी खुशखबरी है। मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि जो लोग मुझे जानते होंगे उन लोगों को पता है कि सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए मैं बहुत सीरियस थी। मैंने अपना 100% दिया, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो ट्विटर हो, चाहे वो इंस्टा हो, चाहे वो कोई भी प्लेटफॉर्म हो, मैंने कोई प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जिस पे मैं अपना प्रोटेस्ट ना करूं और सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए मैं जस्टिस ना मांगूं। और केवल मैं ही नहीं, पूरी इंडिया, और केवल इंडिया ही नहीं, इंडिया के बाहर भी पूरी दुनिया सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए जस्टिस मांग रही थी। तो आज सबके लिए बहुत बड़ी खुशी का दिन है, मैं पर्सनली बहुत खुश हूँ। मैं अपना छोटी सी बात बताना चाहूँगी कि जब मैंने ये जस्टिस के लिए आवाज़ उठाई तब मैं बहुत हेजिटेट थी और मैं ये सोच रही थी कि ये मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, पता नहीं लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, क्या मेरे बारे में हंसेंगे या क्या सोचेंगे। बट फिर भी मुझे लगा कि बहुत गलत हुआ है सुशांत सिंह राजपूत के साथ, उनकी फैमिली के साथ बहुत गलत हुआ है। अगर मैं कुछ कर सकती हूँ तो मुझे ये ज़रूर करना चाहिए बिना इसकी परवाह किए कि लोग क्या कहेंगे जो मुझे जानते हैं, शायद वो मेरा मजाक उड़ाएंगे या फिर कोई ये सोचेगा कि इनको क्या ज़रूरत है जस्टिस के लिए। बट ये सारी चीज़ें मैंने किनारे की और मुझे क्या सही लगा, मेरे दिल को क्या सही लगा, मैंने वो किया। मुझे लगा कि मुझे अपनी आवाज़ उठानी चाहिए और आज मैं पूरी तरह से सेटिस्फाइड हूँ कि मैंने जो किया वो बहुत अच्छा किया और करने के बाद इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा आया। मेरे करने से तो नहीं आया क्योंकि मैंने बहुत थोड़ा सा अपना जो है कंट्रीब्यूशन किया है, मगर जो इसके सच्ची हीरो है वो रियल में पूरी पब्लिक, इंडिया की जनता और बाहर की जितने भी मेजॉरिटी जिन्होंने अपना वीडियो बना के भेजा कि उनको सुशांत सिंह राजपूत केस में जस्टिस चाहिए। तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने ये देखा कि पूरी दुनिया से सुशांत सिंह राजपूत केस के लिए जस्टिस के लिए आवाज़ उठ रही है और अगर इसको हम लोग सीरियसली नहीं लेंगे तो दुनिया के लोगों के लिए हमारी इमेज क्या बनेगी। तो इसको वाकई में गवर्नमेंट ने भी सीरियसली लिया और इसके साथ साथ मैं एक बार फिर से इस केस के रियल हीरोज़ जो हैं उनको थैंक यू करना चाहूँगी, एक बार फिर से स्वामी सुब्रमण्यम स्वामी जी, इस्करण सिंह भंडारी जी और अर्णव गोस्वामी जी, आप लोगों को मैं दिल से सैल्यूट करती हूँ। आप लोग अगर ना होते तो शायद ये केस बहुत ही जल्दी क्लोज हो गया होता, कब का क्लोज हो गया होता। और आज ये मीडिया में, ये जो फेक मीडिया है, मैं इसके बारे में भी आप लोगों से थोड़ी सी बात करना चाहूँगी, ये जो फेक मीडिया है आज ये मौके का पूरा फ़ायदा उठा रही है, केवल सुशांत सिंह राजपूत, मगर उस समय ये मीडिया पूरी तरह से चुप थी जब वाकई में सुशांत सिंह राजपूत केस को इस मीडिया की ज़रूरत थी। तो मैं तो अपनी ओर से मैंने पूरी मीडिया का बैकआउट कर दिया। मैं आपको सच बताऊं तो केवल आर भारत, रिपब्लिक भारत, क्योंकि अर्णव गोस्वामी ने जो किया है वो बहुत अच्छा किया है, तो मैं तो अब उनका बैकआउट, न्यूज़ वालों का भी, क्योंकि ये लोग केवल मौका परस्त न्यूज़ करते हैं जो उनको लगता है अच्छी है, जिस पे उनको TRP मिलेगी, जिन पे उनको खतरा नहीं है, बस ये वही बोलते हैं। मगर इस केस में आज सबके मूवमेंट के बाद बहुत अच्छी चीज़ निकल के आई है, एक बार फिर से धन्यवाद। और एक लास्ट में मैं यही बोलना चाहूँगी, ट्रुथ शैल प्रिवेल, सत्य में जयते, जय भगवान।